सो दोस्तों आज मेरे पास हमारा एक्टिव 3.0 भाई प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर आपको 1.39 इंच का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है विद मेटल बॉडी। आपको यहाँ पर फुल मेटल फ्रेम देखने को मिल रहा है जिस वजह से भाई बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर्स मिल रहा है और साथ ही में इस वॉच में आपको फंक्शनेबल रोटेटिंग क्राउन का फीचर्स भी अवेलेबल मिल रहा है जिसके हेल्प से आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, मेन्यू अप डाउन कर सकते हो। और अंदर फीचर्स देखे तो भाई 5.1 का ब्लूटूथ है तो भाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है। और अगर मॉनिटर देखे तो SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ECG मॉनिटर इसमें अवेलेबल है। भाई मॉनिटर्स काफी सारे हैं और दोस्तों आप इस वॉच में गाना भी सुन सकते हो, ये फीचर्स भी दे रखा है इन्होंने। और गेम्स है, 3 मिनट स्टाइल है और कैलकुलेटर का भी फीचर्स अवेलेबल है और IP67 का वाटर रेटिंग है। तो चलिए भी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको टोटल 4 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है, 2 है चेन 2 है कलर। चेन वाले के लिए आपको 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा दिखता है प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर आपको हैमर का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे एक्टिव 3.0 को प्रिंट कर रखा है और ऊपर इनका प्रोडक्ट है। बॉक्स के साइड में अपने की फीचर्स को प्रिंट किया है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट कर रखा है। इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। साथ ही में ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी प्रिंट कर रखा है जैसे इनका एड्रेस। और यह है वारंटी रजिस्ट्रेशन कोड, पीछे की तरफ भी सेम ब्रांडिंग है दोस्तों। तो चलिए अभी जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ये कुछ पेपर वर्क जिसके साथ देखने को मिला, ये है यूजर मैनुअल, इसे स्कैन करके आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। और यह वारंटी कार्ड, अगर आप वारंटी रजिस्टर करोगे तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगा, पीछे QR कोड मिल जाएगा। और दोस्तों यह इसका चार्जिंग केबल लेंथ आप देख सकते हो, छोटा सा है लेकिन भाई क्वालिटी में बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और यह इसका स्टैंड, स्टैंड के ऊपर आपको वॉच रखना है और वॉच चार्ज हो जाएगा। भाई पोगो पिन का कोई झमेला ही नहीं है। और अभी क्लोज लुक वॉच की तरफ, सुबह वॉच का लुक काफी बढ़िया है लेकिन यहाँ पर आपको एकदम सपाट प्लेन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिस वजह से फुल बॉडी स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो इस वॉच में, या फिर आप प्लास्टिक का जो स्क्रीन गार्ड होता है आप खुद लेके मतलब काट के लगा सकते हो, आप खुद ही मतलब कस्टमाइज कर सकते हो अगर भाई थोड़ा जुगाड़ो सा दिमाग है आपका तो। और इसका स्क्रीन काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो कि नॉर्मली है सारी वॉचेस की तरह, लेकिन इस वॉच में हल्का सा माइनर सा कम है कम्पेयर टू अनदर वॉच, जो कि मुझे एक प्लस पॉइंट लगा। और वॉच का टोटल डायमीटर है 47 mm, जिस वजह से अगर आपके रिस्ट का साइज थिन हो तब भी भाई काफी बढ़िया लगेगा देखने में। और वॉच का थिकनेस है 12 mm। और वॉच के साइड में जो आप इसका रोटेटिंग क्राउन बटन देख रहे हो, इसका बॉर्डर आपको मेटल का देखने को मिल रहा है लेकिन अंदर का जो पार्ट है ये प्लास्टिक है। और साथ ही में आपको रेड रिंग देखने को मिल रहा है, ये भी अंदर कुछ प्लास्टिक घुसा रखा है, कलर नहीं कर रखा जिस वजह से भाई कलर नहीं उतरेगा। और एक और बटन है इसके साइड में, ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है। और दोनों ही बटन के बीच में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और ऑल ओवर जो आप सिल्वर फ्रेम देख रहे हो, ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिस वजह से भाई बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है क्योंकि भाई पूरा मेटल फ्रेम है। और भाई मैट कलर का फिनिश है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक रिप्रेजेंट कर रहा है और भाई डिटेलिंग में भी काफी अच्छा है। और वॉच के पीछे के साइड आपको हैमर का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में अपने सारे सेंसर को और वायरलेस चार्जिंग पिन को यहीं पर ही फिट कर रखा है इन्होंने। और वॉच के दूसरी तरफ आप प्लास्टिक में कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। फ्रेम कीपर जो कट है यहाँ से आवाज नहीं आता, ये ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। और स्टेप देखे तो यहाँ पर आपको हैमर का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और 25 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप का इस्तेमाल कर रखा है और भाई स्ट्रैप का क्वालिटी काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको फैब्रिक का स्ट्रैप देखने को मिल रहा है जो कि भाई क्वालिटी में बेस्ट है। और वॉच को ऑन करते यहाँ पर आपको 1.39 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है विद स्लिम ब्लेजल, ब्लेजल भी काफी ज्यादा कम मिल रहा है इस वॉच में जिस वजह से भाई लुक्स में बेस्ट बन जाता है। और रेजोल्यूशन है 240x240 पिक्सल जिस वजह से इमेज का क्वालिटी काफी बढ़िया आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। भाई कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है और कस्टम वॉच फेसेस अप्लाई करने के बाद भी आप देख सकते हो इमेज का क्वालिटी बेस्ट मिल रहा है आपको इस वॉच में और कलर रिप्रोडक्शन भी काफी मस्त है इस वॉच में, सारे बजट रेंज की वॉचेस से कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। और इस वॉच में आपको फंक्शनेबल रोटेटिंग क्राउन का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है जिसे गोल घुमा के आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो या फिर आप मेन्यू को अप डाउन कर सकते हो। और साथ ही में ये बटन मेन्यू का भी शॉर्टकट है। आप जो स्क्रीन कीपर देख रहे हो इनमें से आप सिर्फ एक वॉच फेसेस अपने पसंद का सेट कर सकते हो, या फिर होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस। और नीचे एक और बटन फिट कर रखा है जो कि है बैक और स्क्रीन ऑन ऑफ के लिए। डायल सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हो इस वॉच में आपको 100+ क्लाउड वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है और भाई इन्होंने ग्रुप बना रखा है ताकि ढूंढने में आसानी हो कि आपको किस टाइप का वॉच फेसेस पसंद है। और एकदम नीचे है कस्टम वॉच फेसेस, यहाँ पर जाके आप वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो जो भी आपका मन करे, लेकिन हाँ लाइव वॉलपेपर इस वॉच में सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा आप टाइम के पोजीशन को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा कम है इस वॉच में। कॉलिंग फीचर देखे तो इसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको ऑडियो और कॉल का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है। अगर आप ऑडियो को ऑफ करोगे तो भाई आवाज फोन से आएगा, इसे ऑन करोगे तो आवाज वॉच से आएगा। अगर वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट होगा तभी ये फंक्शन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। और वॉच के हेल्प से आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा। और भाई वॉच में वो रिंगटोन बजेगा जो कि आपने अपने फोन में लगा रखा होगा और आप इस रिंगटोन को ऑफ नहीं कर सकते हो, ये फीचर्स नहीं दे रखे इन्होंने। और भाई इनकमिंग कॉलिंग पे कॉलर का सिर्फ नंबर शो होता है, नाम शो नहीं होता। और कॉल पिक करने के बाद आप सिर्फ कॉल कट कर सकते हो और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखे इन्होंने।
और ये बात सोशल मीडिया के कॉल को भी एकदम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है, लेकिन तब भी नंबर ही शो हो रहा है, नाम शो नहीं हो रहा। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद कॉलिंग का कोई भी नोटिफिकेशन रिवॉच आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, और कॉल खत्म होने के बाद मिस कॉल का नोटिफिकेशन भी नहीं देता है, लेकिन भाई सोशल मीडिया के कॉल के नोटिफिकेशन को शो करता है और कॉल खत्म होने के बाद मिस कॉल का नोटिफिकेशन भी देता है ये वॉच। वॉच का कॉलिंग फीचर देखे तो डायलर कुछ ऐसा दिखता है और बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है, और जब कभी भी आप टच करोगे तो वाइब्रेट नहीं करता है और इजीली यहाँ से डायल कॉल लग जाता है, कोई इशू नहीं है। फिर आता है फोन बुक, तो आप इस वॉच में मैक्सिमम 8 कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हो मोबाइल ऐप के हेल्प से, और सिर्फ नाम नाम शो होता है, नंबर शो नहीं होता, जिस वजह से काफी ज्यादा क्लीन लगता है देखने में। और आप चाहो तो इजीली यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हाँ दोस्तों, इस वॉच में आपको कॉल हिस्ट्री नहीं मिल रहा है, और नॉर्मल नोटिफिकेशन रिसीव होने पर वॉच सिर्फ वाइब्रेट करता है, साथ ही में डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये वॉच सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, हिंदी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन भाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। और मोबाइल ऐप के मैसेज पुश में आप देख सकते हो, इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट का ही नोटिफिकेशन मिल रहा है, सोशल मीडिया के अलावा अनदर ऐप का नोटिफिकेशन फिलहाल इस वॉच में नहीं है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं भी हूं कॉलिंग पर, अभी आप सुन सकते हैं कि कैसा इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं, और इसका माइक ना यहाँ पर है, सो आप मुंह के पास लाके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा। हाथों को दूर लेके जाने पर आवाज ठीक से नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि भाई माइक दूर हो जाता है। और अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रखे, अगर आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब सामने वाले को कैसा आवाज सुनाई देगा। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइज है, तो अभी आप सुनो कि इस नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है नहीं। अगर इस नॉइज को रिड्यूस कर रहा है मतलब सीलिंग फैन के नॉइज को पूरी तरह से रिड्यूस कर सकता है। अभी एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइज कैंसिलेशन टेस्ट भी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास क्षेत्र है जो कि काफी ज्यादा नॉइज है, आप देख रहे हो मेरे पास रूटे, और अभी आप सुनो कि इस नॉइज में कैसा माइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। हाँ दोस्तों, अगर डायरेक्ट हवा लगेगी इसके माइक में उस नॉइज को रिड्यूस नहीं कर सकता, आजू बाजू से हल्का फुल्का नॉइस आएगा तो उस नॉइस को रिड्यूस कर सकता है, बोले तो सीलिंग फैन के नॉइस को, टेबल फैन के नॉइस को, कूलर के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है। आजू बाजू से हल्का फुल्का नॉइस आएगा तो उस नॉइस को रिड्यूस कर सकता है, बोले तो सीलिंग फैन के नॉइस को, टेबल फैन के नॉइस को, कूलर के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है। दोस्तों, अभी आप सुन सकते हैं कि कैसा है हमारा X3 का स्पीकर परफॉर्मेंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और हाँ, इस वॉच में आपको किसी भी तरह का कनेक्टिविटी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, रेंज से दूर जाओगे तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन रेंज में आने के बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो भाई कनेक्टिविटी बेस्ट है। और अभी आप सुनो कि स्पीकर का लाउडनेस कैसा लगा आपको, और वॉच का कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, जैसे कि आपने सुना स्पीकर का लाउडनेस एंड माइक का क्लैरिटी बढ़िया लगा मुझे। और दोस्तों, वॉच का फाइंड माय फोन का फीचर एकदम परफेक्टली काम करता है, लेकिन अगर आपका फोन रिंग में होगा तभी काम करेगा, साइलेंट पे होगा तो काम नहीं करेगा भाई। और फाइंड वॉच में वॉच वाइब्रेट करता है, वॉच में कोई रिंगटोन नहीं है। और वॉच का राइज टू हैंड वेकअप हैंड जेस्चर एकदम परफेक्टली काम करता है, जब कभी भी आप हाथों को ऊपर उठाओगे तो डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता, लेकिन हाँ डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता, आपने जो स्क्रीन ऑन टाइम लगा रखा होगा 5 सेकंड्स to 3 मिनट का, वो टाइम खत्म होने के बाद ही डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ होता है, और आप कैसे भी करके हाथ ऊपर उठाओ डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है। साथ ही में रोटेटिंग हैंड जेस्चर भी एकदम परफेक्टली काम करता है, जब कभी भी आप आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता, लेकिन इसका भी सेम फंडा है कि डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता, आपने जो स्क्रीन ऑन टाइम लगा रखा होगा वो टाइम खत्म होने के बाद ही डिस्प्ले ऑफ होता है। और वॉच का म्यूजिक कंट्रोल एकदम परफेक्टली काम करता है, वॉच के हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। और इसमें आपको 600 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी काफी बढ़िया है, एकदम बेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी अबो एवरेज है, क्योंकि भाई सब कुछ विजिबल हो रहा है कि क्या क्या फंक्शन है, क्या फीचर्स है, तो भाई इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगा। और दोस्तों, इन्होंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे तो रखा है, लेकिन आपको सिर्फ 5 सेकंड्स तक ही मिलेगा, आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, टाइम को बढ़ा नहीं सकते हो, डिस्प्ले ऑफ होते टाइम 5 सेकंड्स तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, यही है भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 स्पोर्ट्स मोड ही अवेलेबल मिल रहा है, भाई स्पोर्ट्स मोड काफी ज्यादा कम है इस वॉच में। वेल आप देखे तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, और डिवाइस के अंदर ही आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं, और यहीं से आपको वॉच को फोन के साथ कनेक्ट कर लेना है, और यहीं से आप अलार्म सेट कर सकते हो इस वॉच में। और हेल्थ रिमाइंडर देखे तो इस में आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंटी अलर्ट रिमाइंडर ही अवेलेबल मिल रहा है, और अदर्स के अंदर सिर्फ वाइब्रेशन है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और मोबाइल ऐप के सेट में जाके आप टारगेट सेट कर सकते हो, आप देख सकते हो दोस्तों काफी सारे हैं। और दोस्तों, एचआर मॉनिटर की एक्यूरेसी आपके सामने, आप खुद देख सकते हो कि भाई एचआर मॉनिटर की एक्यूरेसी कैसा काम कर रहा है, मैं 5 टेस्ट कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने है भाई, बोलने की जरूरत नहीं है कैसा है। तो चलिए अभी SP2 पे भी 5 टेस्ट कर लेते हैं, मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप खुद देखो, डिसाइड करो आपको कैसा लगा SP2 का एक्यूरेसी। और हाँ दोस्तों, इन्होंने ब्लड प्रेशर दे तो रखा है, लेकिन भाई ये काम नहीं करता, इसके ब्लड प्रेशर के ऊपर आपको 1% भी भरोसा नहीं करना है, हमेशा नॉर्मल ही दिखाता है। और भाई ECG पर भी भरोसा मत करना है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है,
तो भाई इस पे ट्रस्ट मत करना, इसके लिए मेडिकल डिवाइस ही परफेक्ट होता है। तो चलिए अब एक स्टेप काउंट देख लेते हैं। टोटल 54 स्टेप्स। दोस्तों स्पोर्ट्स मोड का स्टेप काउंट एक बार चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो सब कुछ है जीरो। अगर आप लोकेशन ऑन करके डिस्टेंस ट्रैक करोगे तो 90% एक्यूरेसी आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा, और वॉच का कैलोरी बर्न भी काफी अच्छा है, इस पे आप 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और स्लीप एक्यूरेसी भी वॉच का एकदम परफेक्टली काम करता है। मैं 6 घंटा इसे पहन के सोया था तो 4 घंटा 5 घंटा ऐसा कैलकुलेट कर रहा है, बोले तो डीप स्लीप को कैलकुलेट कर रहा है। और अभी क्लोजकुक वॉच के यूआई की तरफ ऊपर के साइड स्लाइड करने पर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, और इस वॉच में सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन का ही जगह है जो कि रिसेंटली आया है, और ये वॉच अप्रॉक्स 4-5 लाइन के मैसेज को सपोर्ट करता है, जिस वजह से छोटे मैसेज को आप वॉच में ही पढ़ सकते हो, फोन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और राइट साइड सेट करने पर फिर है एक्टिविटी, यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का स्टेप काउंट, स्टैंड टाइम और एक्सरसाइज का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। फिर आता है स्टेप्स, फिर है ट्रेनिंग, स्टैंड, टोटल डिस्टेंस, टोटल कैलोरी, और दोस्तों ये पर डे का डाटा है। फिर आता है स्लीप, ब्लड प्रेशर, होम, और लेफ्ट साइड सेट करने पर डेट, टाइम और वीक का इन्फो अवेलेबल है। और यहीं पर आप 5 आइकन देख रहे हो जो कि है डायलर, हार्ट रेट, प्लेयर, मेनू स्टाइल एंड कॉन्टेक्ट। और इसके नीचे है स्टेप काउंट, फिर है कॉल, ये SOS कॉल है दोस्तों। मोबाइल ऐप में जाके आप जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऐड करोगे वही बन जाएगा आपका SOS। और होम में आने के बाद अगर आप नीचे के साइड स्लाइड करोगे तो यहीं पर ही नीचे आप एक चेन का सिंबल देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है, नहीं साथ ही में बैटरी का भी इन्फो अवेलेबल है। और यहीं पर ही पहला ऑप्शन है फ्लाइट मोड, वॉइस असिस्ट, आप वॉच में जो कुछ भी बोलोगे एक्शन फोन में होगा, और भाई कॉलिंग फीचर्स को ऑन करोगे तभी वॉइस असिस्ट काम करेगा वरना काम नहीं करेगा। फिर आता है म्यूजिक कंट्रोल, कॉल, आप यहां से कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर आता है टॉर्च, DND, वॉच का DND एकदम परफेक्टली काम करता है, वॉच पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा और वाइब्रेशन भी ऑफ हो जाता है, लेकिन कॉल मैसेज आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहेगा। और होम में आने के बाद अगर आप इसके बटन को प्रेस करोगे तो थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला है हार्ट रेट, डायलर, फोन बुक, ECG, Facebook, ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, हेल्थ ट्राई साइकिल, ये एक्टिविटी है दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। फिर है ब्लड ऑक्सीजन, स्पोर्ट्स, तो इसके स्पोर्ट्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 स्पोर्ट्स ही अवेलेबल मिल रहा है, स्पोर्ट्स काफी कम है। फिर है म्यूजिक, कैमरा, ब्लड प्रेशर, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये दोनों भी नोटिफिकेशन ही है दोस्तों, पता नहीं ऐसा क्यों अलग अलग दिया है। फिर आता है रीस्टार्ट, वेदर, लुकिंग फॉर, ये है फाइंड माय फोन, स्लीप, मेन्यू स्टाइल। तो आप देख सकते हो इस वॉच में आपको 3 मेन्यू स्टाइल अवेलेबल मिल रहा है, पहला है लिस्ट जो कि आप अभी तक देख रहे थे, और दूसरा कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, ऐसा फूल जैसा खिलता है, काफी बढ़िया लगता है देखने में। और तीसरा मेन्यू भी काफी ज्यादा बढ़िया है, एकदम सर्कुलर मेन्यू है, काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है, और बटन का डबल प्रेस है मेन्यू स्टाइल का शॉर्टकट। बैक आने के बाद फिर है मैसेज, ये भी नोटिफिकेशन ही है दोस्तों। फिर है स्टॉप वॉच, QR कोड, ये है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का QR कोड, और मोर के अंदर है ऊपर अबाउट, फिर है सिरी, ये है वॉइस असिस्ट, इसके नीचे है लैंग्वेज, लेकिन इंडियन लैंग्वेज नहीं है। फिर है सेट टाइम, तो आप इस वॉच में टाइम सेट कर सकते हो, मोबाइल से भी टाइम लेते हैं और आप चाहो तो अपना टाइम सेट कर सकते हो, ये फीचर्स बहुत ही कम वॉचेस में ही होते हैं, तो एक प्लस पॉइंट लगा। साथ ही में आप डेट भी सेट कर सकते हो इस वॉच में। बैक लाइट टाइम, ये है स्क्रीन ऑन टाइम, मिनिमम है 5 सेकंड्स और मैक्सिमम है 3 मिनट। फिर है बैक टू डायल, बेड लैम्प, बैक लाइट, ये है ब्राइटनेस। फिर आता है राइस LED ऑन, ये है राइस टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर, स्क्रीन सेवर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, डिस्प्ले ऑफ होने के 5 सेकंड्स तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहता है, फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और आप इसके टाइम को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, टाइम को बढ़ा या घटा नहीं सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के। स्लाइड लिप, लेफ्ट साइड स्लाइड करने पर मैंने आपको जो मेन्यू दिखाया उसे आप चाहो तो ऑफ ऑन कर सकते हो। फिर आता है टाइम फॉर्मेट, बैक आने के बाद फिर आता है गेम, आप देख सकते हो कार फाइटर टाइप का गेम दे रखा है, बस एक ही गेम है। फिर आता है कैलेंडर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है, SOS में अगर आप क्लिक करोगे तो भाई कॉल लग जाता है। तो बस दोस्तों इतना ही था, छोटा सी UI है। तो दोस्तों अभी बात करें क्या ये वॉच आपको लेना चाहिए, नहीं भाई, लुक्स में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखता है, और इसका UI भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, और नोटिफिकेशन भी तुरंत तुरंत रिसीव हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो भाई प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी
कंपनी प्रोडक्ट है, आपको लेना चाहिए अगर आपको इसके फीचर्स पसंद है तो, और लुक्स में तो ये है ही बेस्ट। और दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस देखिए तो वॉच का बैटरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। कॉलिंग के साथ 3 डेज का बैटरी बैकअप मुझे वॉच प्रोवाइड किया, और विदाउट कॉलिंग ओनली नोटिफिकेशन के साथ इजीली 6 डेज का बैटरी बैकअप आपको ये वॉच प्रोवाइड कर देगा। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2.5 आवर्स 10 वॉट चार्जर से। और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 वॉट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा, नहीं तो भाई ओवरहीट से बैटरी जल्दी डैमेज हो जाएगा। और दोस्तों मैं 30% ब्राइटनेस में इसका इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि इसका ब्राइटनेस काफी बढ़िया है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।